To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. आप 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लेंगे, तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिए गए कुछ स्टेटमेंट जिसमें आप देखते हैं कुछ व्यक्तियों के बीच के संबंध। इन स्टेटमेंट के बाद एक प्रश्न पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट देखें। आनंद इज सन ऑफ देव एंड फादर ऑफ राकेश। रेनू इज मैरिड टू देव। गीता इज मैरिड टू आनंद। हु इज आनंद टू रेनू? क्या है स्टेटमेंट? आनंद देव के पुत्र हैं और राकेश के पिताजी हैं। रेनू की शादी देव से हुई और गीता की शादी आनंद से हुई। बताना क्या है? आनंद और रेनू का रिश्ता। इस तरह की पजल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप डायग्राम बनाना चाहिए, संबंधों को नक्शे में उतारना चाहिए। और जब हम डायग्राम बनाएं तो हमें क्या करना चाहिए? एक लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रखना चाहिए। आप उदाहरण देख रहे हैं, सन, सन के ऊपर फादर, फादर के ऊपर फादर के फादर, दैट मींस सन के ग्रैंडफादर। सन के साथ हॉरिजॉन्टली क्या होगा? सन की वाइफ, सन का भाई, सन की बहन। उसी तरह से फादर के लेवल में होंगी मदर, फादर के भाई, फादर की बहन। और उसी तरह से हम फॉलो करेंगे ग्रैंडफादर का लेवल। डायग्राम में मैंने तीन लेवल दिखाए। सबसे नीचे का लेवल सन, उसके ऊपर फादर, उसके ऊपर ग्रैंडफादर, और जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर का लेवल भी बनाया जा सकता है। और एक लेवल के जितने भी व्यक्ति होंगे उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना चाहिए। क्या होगा उससे? संबंधों को समझने में आसानी होगी। और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध हम बड़ी आसानी से जोड़ पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पजल को। एक बार फिर से देख लें। आनंद देव के लड़के हैं और राकेश के पिताजी हैं। रेनू की शादी हुई देव से और गीता की शादी हुई आनंद से। बताना है आनंद और रेनू का रिश्ता। जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे हमने चर्चा की, मैंने रिलेशनशिप डायग्राम बनाया, आपके सामने है। मैंने शुरुआत कहां से की? आनंद और देव से। देव सबसे ऊपर, उसके नीचे आनंद। आनंद लड़का है, देव पिताजी है। उसके बाद आनंद इज फादर ऑफ राकेश, तो आनंद के नीचे आ गए राकेश। आनंद फादर, राकेश सन। उसके बाद रेनू इज मैरिड टू देव। रेनू और देव एक लेवल में है, वाइफ हस्बैंड। और गीता इज मैरिड टू आनंद, सो गीता और आनंद भी एक लेवल में है, वाइफ एंड हस्बैंड। रेनू और आनंद का रिश्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आनंद इज सन ऑफ रेनू, आनंद लड़का है, रेनू माँ है। इस तरह की पजल सॉल्व करने से होगा क्या? हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। हमने टेबल बनाना सीखा, अब हम डायग्राम बनाना भी सीख रहे हैं, ताकि एक विषय को, एक व्यक्ति को दूसरे विषय के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ पाए, संबंध समझ पाए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक विषय का दूसरे विषय के साथ। इसको मैं कहूंगा रिलेटिंग कैपेबिलिटी, रिलेटिंग एबिलिटी। इसी तरह से बहुत सारी कुशलताएं विकसित करते करते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।